हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपने भाई राजीव कपूर के निधन के बाद 5 दिन बाद यानी कि 15 फरवरी को रणधीर कपूर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस सेलिब्रेशन के बाद यूजर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया। इस पर क्या सफाई दी रणधीर कपूर ने, देखिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की कपूर फैमिली ने 9 फरवरी को राजीव कपूर को खोया है। उनके निधन से पूरा बॉलीवुड और फैंस गमगीन है। कपूर परिवार ने पिछले 2 सालों में परिवार के 4 सदस्यों को खो दिया, उनके लिए एक बड़ा सदमा था। इसी बीच 15 फरवरी को कपूर परिवार ने रणधीर कपूर का 74वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। परिवार के सभी लोग और करीबी फ्रेंड्स रणधीर कपूर के चैंपुर वाले बंगले पर जुटे थे। राजीव कपूर के निधन के 5 दिन बाद ही जन्मदिन का जश्न फैंस को नागवार गुजरा। पार्टी की तस्वीरें सामने आने पर यूजर्स ने कपूर फैमिली को जमकर ट्रोल किया। दरअसल रणधीर कपूर की बर्थडे पार्टी में पूरा कपूर परिवार और अन्य सेलेब्स शामिल हुए थे। करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, बबीता कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आदर जैन, तारा सुतारिया समेत कई लोग पार्टी में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर घर से बाहर निकलते हुए कई सेलिब्रिटीज की तस्वीरें वायरल हुई। यूजर्स ने जैसे ही इन तस्वीरों को देखा तो वो काफी भड़क उठे। ऐसे में रणधीर कपूर ने इस पर जवाब दिया और उनके बर्थडे पार्टी का सच सबको बताया। इस बात पर एक्टर रणधीर कपूर ने कहा कि मेरे जन्मदिन की रात कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर था जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल हुए थे। मैं अपने छोटे भाई राजीव कपूर को बहुत मिस करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, बीते हफ्ते ही दिल का दौरा पड़ने से राजीव कपूर गुजर गए। ये हम सभी के लिए एक सदमा है जिससे निकलने में हमें वक्त लगेगा। कपूर परिवार ने पिछले 2 सालों में काफी सदस्यों को खोया है, जिस गम से अभी भी वो उभरे नहीं हैं। इस बात पर रणधीर ने कहा, किस्मत में वही लिखा होता है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। हम अगर अच्छी चीजों के होने की उम्मीद करते हैं तो बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखा जाए तो 1 साल के भीतर 2 भाइयों और 1 बहन को खो चुके रणधीर कपूर भीतर से टूट चुके हैं। अपना दुख जाहिर करते हुए रणधीर ने कहा कि पता नहीं मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। मैं राजीव और ऋषि दोनों के ही बहुत क्लोज था। मैंने अपने परिवार के 4 सदस्य को खो दिया। मेरी माँ कृष्णा कपूर को अक्टूबर 2018 में, बड़ी बहन ऋतु कपूर को 14 जनवरी 2020 में, ऋषि और अब राजीव, ये चारों ही मेरी जिंदगी का केंद्र थे जिनसे मैं ज्यादातर बातें करता था। आपको बता दें कि राजीव कपूर लॉकडाउन के दौरान ही रणधीर कपूर के चैंबुर वाले घर में शिफ्ट हुए थे। उसी दौरान परिवार ने ऋषि कपूर को खो दिया था। ऋषि कपूर के निधन के बाद राजीव ने रणधीर कपूर को काफी संभाला था, लेकिन अब राजीव भी रणधीर कपूर को छोड़कर आ चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।